प्रश्नावली 10.2 का अब हम प्रश्न 11 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के बाहर समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है, जो ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज होता है वृत्त के परिगत, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं ओ। तो यहाँ पर दिया गया है ओ वृत्त का केंद्र है तथा इस ओ वृत्त के केंद्र के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ओ वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त के परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत वो सम चतुर्भुज होता है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने जो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ए बी सी और डी ये चारों बाह्य बिंदु हैं और इन बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। किस प्रकार की? ए से ए पी और ए एस बराबर होगी, क्योंकि बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए पी और ए एस इस प्रकार हो जाएंगी, और बी से बी पी और बी क्यू स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो बी पी और बी क्यू बराबर होंगी, और बिंदु सी से सी क्यू और सी आर स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, और इसी प्रकार बिंदु डी से डी आर और डी एस स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख दिया हमने चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जो बाह्य बिंदु ए है इससे ए पी और ए एस ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए पी बराबर ए एस, इसे हम नाम देंगे समीकरण एक। अब यहाँ पर बिंदु बी देखेंगे बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु बी से बी पी और बी क्यू ये आपस में बराबर होंगी। इसे हम समीकरण नाम देंगे दो। अब यहाँ पर बिंदु सी पर जाएंगे हम, तो बिंदु सी से यहाँ पर देखेंगे हम, तो स्पर्श रेखाएं सी आर और सी क्यू ये आपस में बराबर होंगी। इसे हम समीकरण तीन देंगे नाम। अब यहाँ पर हम बिंदु डी पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखाएं डी आर और डी एस ये यहाँ पर बराबर होंगी, इसे हम समीकरण नाम देंगे चार। अब समीकरण एक दो तीन और चार को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं हम चारों समीकरणों को, तो उनके बाएं भागों को बाएं भाग से जोड़ेंगे, ये वाला बाएं भाग, ये वाला बाएं भाग, ये वाला बाएं भाग और ये वाला बाएं भाग, इन चारों भागों को हम एक तरफ लेंगे। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इनको हमने एक तरफ ले लिया, ए पी बी पी सी आर और डी आर। अब ये दाएं वाले भागों को हम अलग लेंगे, तो ए एस प्लस ए एस प्लस डी एस, इस डी एस को जोड़ना कहीं पर है, आगे जोड़े या पीछे जोड़े, तो यहाँ पर ए एस के साथ में डी एस ले लिया, प्लस का चिन्ह लगा करके सी क्यू के साथ में बी क्यू ले लेंगे। ये हमने दाएं भाग को दाएं भागों से जोड़ दिया। अब यहाँ पर हम इस प्रकार के दो ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और इस तरफ भी लगा देते हैं ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम
एपी प्लस बीपी, यहाँ पर देखेंगे एपी प्लस बीपी, तो एपी इस तरफ से और बीपी इस तरफ से हो जाएगा एबी के बराबर, तो इन दोनों की जगह पर हम एबी लिख देंगे और प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला। अब सी आर प्लस डी आर, अब सी आर प्लस डी आर, तो यहाँ पर सी आर और डी आर की जगह पर हम सी डी लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगाया। अब हम इसे देखेंगे ए एस प्लस डी एस, तो यहाँ पर ए एस प्लस डी एस की जगह पर हम ए डी लिख देंगे। अब ये प्लस का चिन्ह लगाया। सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, इसकी जगह पर हम बी सी लिख देंगे। तो हमने इतना कर दिया। अब हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं, चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अभी तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर हम ए बी को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस का चिन्ह लगाया। अब हम सी डी देखेंगे, तो सी डी के बराबर होगा ए बी, चूंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस सी डी की जगह पर हम ए बी लिख देंगे और बराबर का चिन्ह लगाया। ए डी को हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे और प्लस का चिन्ह लगाया बी सी। अब हम बी सी देखेंगे, तो बी सी के सामने की भुजा है ए डी, तो हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बी सी की जगह पर हम ए डी लिख देंगे। तो यहाँ पर बी सी की जगह पर लिख दिया हमने ए डी। अब हम यहाँ पर ए बी और ए बी, ये हो जाएगा 2AB और बराबर में हो जाएगा 2AD, दो से दो कैंसिल हो जाएंगे, ए बी बराबर ए डी, यहाँ पर आ गया इतना। लेकिन हम जानते हैं ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी भी होता है, और हम जानते हैं कि ए डी बराबर बी सी भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती ही हैं। तो यहाँ पर ए बी के बराबर सी डी होगा, तो हमने इस ए बी के बराबर में सी डी लिख दिया और इस ए डी के बराबर में बी सी लिख दिया यहाँ पर। तो ये अब आप देखेंगे हम, तो ए बी बराबर ए डी बराबर सी डी बराबर बी सी, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चारों भुजाएं होती हैं बराबर समचतुर्भुज की, तो यहाँ पर अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।